आओ सारे मिलके उस परमात्मा का नाम लईए, वाहिगुरु की फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मंच पर उपस्थित आचार्य देवर्त जी और मेरे भाई पलसानिया और कलवानिया, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ आपके समक्ष अपने कुछ विचार आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। वैसे तो मैं गवर्नर जी जब बात कर रहे थे तो मैं बाहर बात उनकी इतनी सभी को सुना, मैंने बहुत ध्यान से सुन रही थी। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शाह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ये मेरी कौम के लिए, हम जाट और जट, जाट और जट में फर्क नहीं है, सिर्फ ए डबल है या ए सिंगल है, हम एक ही हैं, एक ही खून से निकले हुए। वो लोग जो जमीन से जुड़े हैं, जिनको जिनका धर्म जाट है, और अभी सभी ने कहा जिनका जिनकी जात जाट है पर धर्म और कर्म जमीन है, जो जमीन से जुड़े हैं, जिनको अपनी जमीन से मोहब्बत है, अपनी जमीन और जमीर के लिए जोरदार ताड़ियां होनी चाहिए। पंजाब से हूं तो मुश्किल होती है हम पंजाबियों को हिंदी में बात करना, थोड़ा जुबान पलट जाती है, क्षमा चाहूंगी। कुछ बातें मैंने सुनी और उन्हीं में से बातें आगे निकालूंगी, ज्यादा समय नहीं लूंगी। हमने बात की कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां, हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चों को अगर हम अपनी जात, अपने धर्म, जाट क्या है और जमीन क्या है, और हम अपने गौरवमय इतिहास से रूबरू नहीं करा पाएंगे तो हम उनके साथ जाती होगी। और मैं यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें सुन रही थी जो मैंने कभी सुनी नहीं। और जैसे गवर्नर जी ने कहा, गोकुला जाट की स्टोरी ने मुझे गूज बम्स दिए, और मैं सुन रही थी कि अच्छा इतना गौरवमय इतिहास और कहाँ है, क्योंकि मेरे जैसे, मेरी भी उम्र 35 की हो गई, अभी तक तो मैंने नहीं सुना। तो ये हमारी सभी मंच पर उपस्थित सभी लोगों की और आप सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी अगली वाली अगली पीढ़ियों तक ये बातें पहुंचाएं। और ये जो डॉक्यूमेंट्री आ रही है, ये अभी मेरे मन में एक विचार आ रहा था कि ऐसा एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए जिसमें कार्टून्स के चाहे माध्यम से हमारे जाट लीडर्स की, जिन्होंने कुर्बानियां की, उनकी विजयी गाथाएं होनी चाहिए। और हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चों को कार्टून जैसे पसंद है, जिस माध्यम से, उसी माध्यम से उनको दिखाना चाहिए और उनको पता चले कि हम कौन सी कौम, कौन सी विरासत से आते हैं। और कुछ बातें हुई, मैं 2 मिनट और लूंगी, बस इससे ज्यादा नहीं। बात हुई पार्टियों की, बात हुई, और मैं कहूंगी हम यहाँ उपस्थित चाहे किसी भी पार्टी से हो, आप चाहे किसी पार्टी से हो, अगर आपकी जात और धर्म एक जाट है ना, तो हम सत्ता में कोई आए, सत्ता आज इसकी, कल उसकी, परसों किसी और की, अगर हम एक साथ हैं तो हम किसी से भी अपनी आवाज, अपने जो डिमांड्स है उसके लिए हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और जो डीएसपी सर ने कहा, डीजीपी सर ने, सॉरी, मलिक जी ने कहा, उससे मुझे, मैं बहुत प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा कि जब मुझे पता चलता है कि ये जाट था, मैंने उसको, उसकी रिक्रूटमेंट की, और हमारे जो आगे वाली जनरेशन, हमारे जो बच्चे हैं, वो आईएएस आईपीएस बनेंगे। सभी धर्म के लोगों से प्यार करें, पर जाटों से थोड़ा सा ज्यादा कर ले, थोड़ा सा ज्यादा। बस
एक चीज और कहना चाहती हूं कि एक YouTube चैनल बने और शादियों की बात हुई, बिग फैट वेडिंग्स की बात हुई, सभी चीजों की बात हुई, एक बात मैं कहती हूं, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। जो दुनिया में आप बदलाव देखना चाहते हो, वो बदलाव की शुरुआत आपके घर से, आपके बच्चों से, आपकी बेटियों से, आपके परिवार से होगी। जिस दिन वो शुरुआत हो जाएगी, देश बदलना, हमारी कौम बदलनी शुरू हो जाएगी। और आप सबका, कलवानिया जी और सलवानिया जी भाई दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल।